हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप सभी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का जो आपने रिटन टेस्ट दिया था और उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आए थे तो वो भी रिलीज कर दिए गए थे। तो बहुत सारे साथी हैं जिनके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो फाइनल कट ऑफ है वो कब तक आएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको अपने मार्क्स देखने को मिले हैं तो अभी तक फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, और उसके बाद कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक बुलाया जाएगा। तो बहुत लंबे एक समय हो गया है जो मार्क्स को रिलीज हुए, बट उसके बाद कोई भी अपडेट विभाग की तरफ से नहीं आई है। तो जैसा कि कैंडिडेट की तरफ से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब मार्क्स आए थे कि उसके 1 या 2 दिन बाद कट ऑफ आ जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी साथ के साथ नोटिफिकेशन वो रिलीज कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। मार्क्स जरूर आपके आ गए थे, उसके बाद ना तो आपकी कट ऑफ आई है और ना ही फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आपकी कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी। तो फिलहाल अभी यही संदेह है कि कब जो कट ऑफ है वो कब तक आएगी और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक बुलाया जाएगा। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि सभी साथी पूछ रहे थे कि सर कोई अगर अपडेट है तो बताओ, सर अपडेट है तो बताओ, और मैं लगातार आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और मैं अभी तक इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो नहीं आ रही थी कहीं से भी, और हम वेट कर रहे थे कि कोई ऑफिशियल अपडेट आए तभी आप सभी साथियों तक हम वो ऑफिशियल जो अपडेट है वो पहुँचाए। और ऐसे ही हम किसी भी मतलब अपनी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिन साथियों को उम्मीद है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आएगा तो वो सभी साथी तो कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर हम कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। पर अब लगातार जैसे ही आपके कमेंट आ रहे थे तो उसको लेके मैंने अभी काफ़ी सारे जो हमारे सोर्स हैं उनके थ्रू पता लगाया है, और कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं और उनमें से एक दो बातें हैं जो मेन हैं कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो जब मुझे लगा कि ये चीज़ें बिल्कुल मतलब सच्चाई है उन बातों में, तभी मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, और हम आज अपने इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताने वाले हैं कि अभी तक कट ऑफ क्यों नहीं आई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इतनी देरी क्यों हो रही है बुलाने के लिए। तो जो मेन है वो दो बातें निकल के आई है। एक है कि जैसा कि कुछ साथी कह रहे हैं कि जो पहले से एसएससी में काम कर रहे हैं वहां पे कर्मचारी, तो उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो कोर्ट केस किया है, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उन्होंने एज रिलैक्सेशन को लेके कोर्ट केस किया है, और कुछ का कहना है कि उन्होंने कोर्ट केस इसलिए किया है कि पहले उनको परमानेंट किया जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी जो भी ये एडवर्टीजमेंट निकला था और जो प्रोसीजर चला हुआ है तो इस पे काम किया जाए, क्योंकि लगभग कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले 20 वर्षों से वहां पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगभग सुनने में आया है, पर इस जो ये फैक्ट है इस पे मतलब मैं थोड़ा सा कम श्योर हूं, क्योंकि मैं जो दूसरा फैक्ट है उस पे ज्यादा श्योर हूं और वही चीज सुनने में आई है, तो वो ही मुझे लगता मेन पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इस चीज में रोड़ा अटका रहा है और इस चीज को डिले कर रहा है। अगर हम ये बात करें जो बोला जा रहा है कि जो पहले से वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हैं जो एसएससी के थ्रू लगे थे, तो एसएससी के थ्रू लगना एक अलग जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा वो अलग प्रोसेस है, क्योंकि एसएससी एक स्कीम है तो वो उस स्कीम्स के अंडर लगे हुए हैं, और ये जो एडवर्टीजमेंट निकला था और ये भर्ती का जो प्रोसीजर चल रहा है ये एक बिल्कुल अलग है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते,
और इस चीज में मुझे सच्चाई भी कम लग रही है क्योंकि ये फैक्ट इतना सही बैठ नहीं रहा, तो मुझे इस फैक्ट पे थोड़ा डाउट है। बट जो निकल के आ रही थी बात, तो मैं आपके साथ वो ही साझा कर रहा हूँ। और जैसा सुनने में आ रहा है, उन्होंने जो कोर्ट केस किया हुआ था वो काफी समय पहले से किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये भर्ती आने के बाद ही उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो उनका जो कोर्ट केस है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और वो लगातार पहले से ही वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए। तो उनकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती अटकी हुई है। जो दूसरे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो दूसरा पॉइंट है सीटेट को लेके। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जो एडवर्टीजमेंट आई थी उस एडवर्टीजमेंट में सीटेट क्वालिफाई नहीं मांगा गया था। तो ये पहली बार हुआ था कि चंडीगढ़ में जो स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, परमानेंट रिक्रूटमेंट का, और उसमें उन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं मांगा था, उन्होंने उसमें छूट दे दी थी। पर कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस चीज को लेके जो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सीटेट होना चाहिए। इसमें सभी जो जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में वो पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ अदर स्टेट के जहां पे टेट जो क्वालिफाई मांगे जाते हैं और टेट को न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल किया गया है। तो इसलिए वो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने ये बोला है कोर्ट के सामने जो कि जो ये सीटेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेट है, तो उसके बिना ये एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकते और उसके बिना ये भर्ती को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा ही गलत बताया है, निराधार बताया है, जो एडवर्टीजमेंट लेने लेकर ही, क्योंकि उसमें ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था नहीं था। तो तभी से फिर उसके बाद पेपर हुआ या आपकी कटो जो सॉरी मार्क्स आए हैं आपके, तो वो सब चीजें उन्होंने बोला है कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो न्यूनतम जो मापदंड थे वो फॉलो नहीं किए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ ने। तो उनकी तरफ से अब यही बात रखी गई है कि इसमें सीटेट वालों को जो विदाउट सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ये भर्ती की जा रही है, तो इसको रद्द किया जाए या इसको लेके कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जब मार्क्स रिलीज कर दिए गए थे तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो फाइनल रिजल्ट ना निकाल ले। तभी आप देख रहे हो कि मार्क्स रिलीज होने के बाद भी आपकी कट ऑफ नहीं आई है और डीवी के लिए अभी तक कोई भी डेट नहीं मिली है। तो इस जो भर्ती पे स्टे लिया गया है, बट ज्यादातर साथियों के जो कमेंट आए हुए थे वो इसको लेके आए हुए थे कि जो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हैं उन्होंने इस चीज पे केस किया है, इस भर्ती पे केस किया है, तभी ये भर्ती नहीं आ रही है। बट मुझे दूसरे वाले फैक्ट में ज्यादा सच्चाई लगती है कि ये सीटेट न होने की वजह से और तब कैंडिडेट ने केस किया है और उस पे स्टे लिया है, और उस स्टे के आधार पे अब जो नेक्स्ट डेट मिली होगी उनको, तो नेक्स्ट डेट पे ये डिसाइड होगा कि क्या डिसीजन रहता है और कोर्ट अपना क्या निर्णय सुनाता है। क्योंकि अगर वो सीटेट को कंसीडर करते हैं कि सीटेट इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना चाहिए था, तो ये पूरी भर्ती ही फिर निराधार होगी, क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस ही दोबारा से करना पड़ेगा। और अगर डिपार्टमेंट अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाता है कोर्ट के सामने और वो ये प्रूफ कर देता है कि विदाउट सीटेट भी इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जा सकता है, वो कुछ ऐसे फैक्ट रखता है वहां पे जज के सामने जहां पे उनकी बात को जो अच्छे से सुना जाए और सच्चाई हो उनकी बातों में, तो ये है कि आपको फिर आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो आएगी और फिर आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट आएगी वो आप सभी के साथ जरूर साझा की जाएगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो भी साथी वेट कर रहे हैं फिलहाल कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी कोई अपडेट नहीं मिल रही है, फाइनल कट ऑफ नहीं आई है अभी भी, तो सिर्फ आप सभी तक मेरा ये एक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम थोड़ा जरूर लगेगा बट कोई ना कोई अपडेट आप सभी के सामने जरूर निकल के आएगी।
फिलहाल ये दो फैक्ट थे जिनके ऊपर हमें बात करनी थी आप सभी के साथ, तो और मैंने ये दोनों ही फैक्ट आपके सामने रख भी दिए हैं। अब आप सभी, मतलब बहुत सारी बार हम देखते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी होते हैं वीडियो पे, बट हमें आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक ये जरिया है, एक माध्यम है कि आप सभी जो भी साथी थोड़ा सा मतलब ये समझते हैं कि अभी तक आ क्यों नहीं रहा रिजल्ट, अभी तक फाइनल कट ऑफ क्यों नहीं आई, अभी तक डेट जो डीवी के लिए कोई डेट क्यों नहीं आई, तो इसीलिए सिर्फ मेरा यही मकसद है ये वीडियो बनाने का, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। तो सिर्फ दो फैक्ट थे जिन पे मुझे बात करनी थी, जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को लेके और दूसरा जो स्टे के लेके बात आ रही है सीटेट के कारण, तो उसको लेके। बाकी आगे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी और जरूर कोई ना कोई डिसीजन जरूर आएगा इसके ऊपर। तो जब भी कोई ऑफिशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा तो उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट जरूर कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को बनाए रखिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने उन सभी साथियों के साथ भी शेयर करें जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं या जो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का जिन्होंने पेपर दिया था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।